राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग हुई। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत करीब तय है। चुनाव के दौरान कई बयान भी सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोविंद आसानी से और बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। वहीं मायावती ने कहा है कि राष्ट्रपति कोई भी बने वो दलित कैटेगरी से ही होगा। एक खबर के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एनडीए के उम्मीदवार कोविंद की जीत को लेकर कोई संदेह नहीं है, वे बड़े अंतर से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार राज्य से देश को राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। मायावती ने कहा, जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहली बार है कि राष्ट्रपति पद के लिए दोनों तरफ से दलित उम्मीदवार हैं। जीत भी दलित उम्मीदवार की होगी। एक तरह से ये बीएसपी और उसके दलितों के पक्ष में चलाए गए आंदोलन की जीत है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाल ने कहा, इस राष्ट्रपति चुनाव में देश की राजनीति में विचारों के संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने की चुनौती है। तो दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़।